हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। था कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस एपिसोड के अंदर ना हम लोग काफ़ी चीज़ें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले जो हम चीज़ करेंगे वो है मेटल। जी, हम लोग मेटल कलेक्ट करने जाएंगे, बिकॉज यार मेटल बहुत ज़्यादा कम रह गया है मेरे पास। तुम लोग ने शायद पिछले एपिसोड देखे होंगे, चीज़ें बनाने में बहुत ज़्यादा मटेरियल लगा और मेटल तो भाई ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो अभी भाई ये वेस्ट वगैरह भी अपग्रेड करने के मेरे पास ये मेटल नहीं बचे। एंड ये देखो भाई, हमारा अर्जेंट एविस काफ़ी बड़ा हो चुका है पिछले एपिसोड से तो ज़्यादा ही। आई थिंक दो तीन एपिसोड के बाद, मतलब दो तीन एपिसोड तक तो ये बड़ा हो ही जाएगा। एंड इसका कलर भी अभी सही लग रहा है वैसे बोलो तो। सिर्फ इसके सर के बाल अब तक थोड़े कम आए, तो थोड़ा सा वो ऊपर से अजीब दिखता है, बट कोई नहीं, वो भी आ जाएंगे जल्दी। तो फिर दो चार एपिसोड के बाद तुम लोग को दिख जाएगा पूरा बड़ा, और मैं यूज़ भी करूँगा तब। लेकिन अब तक तो ये बड़ा हो रहा है, तो इसको बड़ा ही होने देते। एंड हाँ, मैं बोल रहा था कि मैं वहाँ पे जाने वाला, जहाँ पे मैं मेटल्स लेने हमेशा जाता हूँ, वॉल्केनो के पास ऊपर हिल्स पे, वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। एंड वहाँ पे मैं एक जुगाड़ लगाऊंगा। एक्चुअली मैं वहाँ पे करूँगा क्या, मैं जो है वहाँ पे रिफाइनिंग लगाऊंगा, दो से तीन रख दूंगा, ताकि क्या होगा, मैं जो मेटल तोड़ूँ वहीं पर मैं पूरा आयरन इनगट बना के उसको लेके आया करूँगा। तो ये ट्रिक मेरे को एक बंदे ने बताया, ट्रिक मतलब ये जो आइडिया एक अच्छा सा एक बंदे ने मेरे को बताया। लेकिन सॉरी, मैं उसका कमेंट शो नहीं कर सकता, बिकॉज मैंने बहुत ढूंढा, मेरे को मिला ही नहीं कमेंट, तो मैं शो नहीं कर सकता। लेकिन भाई, अगर आपने बताया हो तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना कि मैंने बताया था, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा। लेकिन हाँ, कोई ऐसे झूठ नहीं बोलना, जिसने सच में बोला है वही बोलना, मैं उसका कमेंट जरूर पिन कर दूंगा, ठीक है। एंड हाँ, एपिसोड जो है एंड तक देखना है। लास्ट में नामकरण होगा, ब्राउन टू एंड स्पाइन होगा। बहुत अच्छे नेम्स मेरे को सजेस्ट किए थे, तो उनमें से एक अच्छे अच्छे दो नेम मैंने सिलेक्ट किया जो हम लोग रखेंगे दोनों फीमेल्स के लिए। एंड और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, बहुत लोग बोल रहे थे कि भाई तू नेम नहीं रख रहा, बहुत एपिसोड्स में बोला कि नेम कब रखे। भाई मेरे को याद ही नहीं रहता, मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को याद ही नहीं रहता, इस वजह से वो नेम रखना भूल गया था मैं। लेकिन अब आज याद है तो बोलो चलो भाई करे, रख ही देते नेम उनके। तो अभी मैंने सारा सामान यहाँ पे बना लिया है, तो अभी चलो भाई फटाफट जाते हैं वॉल्केनो के पास, वहाँ पे मेटल वाली जगह पे, एंड वहाँ पे इनको फिर बिल्ड करेंगे आराम से। यार मैं क्या करूँ भाई, मैं वुड लाना ही भूल गया। मेरे को इधर आने के बाद याद आया कि ऊपर जब मेरे को कुछ जलाना है तो भाई वुड तो चाहिए। मतलब भाई मैं ऐसा क्यों हूँ यार, मतलब भाई क्या बोलूँ, मैं टेम करने जाता हूँ तो भाई मैं नार्कोटिक लेके नहीं जाता, स्पाइक वॉल बना नहीं रहेगी तो मैं हाइट लेके नहीं जाता, और फिर अब ऐसे जलाना है तो वुड लेके नहीं जाता। भाई मैं करूँ क्या अपना, मेरे को नहीं समझ में आता है। चलो कोई नहीं, अब यहाँ पे रुकाओ, लेकिन यहाँ पे खतरा बहुत है, यहाँ पे वही रैप्टर विप्टर का आवाज़ आ रहा है मेरे को, हैं हैं करके जोर जोर से, तो बस मेरे पीछे ना पड़े वो लोग। सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं इस वॉल्केनो के अंदर, माउंटेन के अंदर जो भी है। लेकिन आई थिंक मैं एक बात बोलूँ ना, तो पीसी के अंदर ना इसके अंदर लावा है एक्चुअल में इस वॉल्केनो के अंदर, लेकिन मोबाइल में नहीं दिया, ऐसा क्यों मेरे को पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट आई थिंक ये जो माउंटेन इसके मतलब ये वॉल्केनो इसके अंदर जो है लावा है पीसी के अंदर, मोबाइल में क्यों नहीं है पता नहीं। चलो कोई नहीं, अपना ये रिफाइनिंग फोर्स लगा लेते हैं यहाँ पे। अबे यार भाई, यार फिर से नहीं भाई, शिट गाइज, वापस एक इशू हो गया। मैं बताता हूँ वो क्या लगा था अपन प्लेटफॉर्म, वो ज़मीन पे रहता है, हाँ फाउंडेशन, फाउंडेशन जो है वही लाना मैं भूल गया अभी। अब देखते हैं उसके लिए, हाँ ओपन तो है, ओके इसके लिए सिर्फ स्टोन चाहिए, स्टोन आई थिंक बॉक्स में होंगे। हाँ, तुम लोग ने पिछला एपिसोड देखा होगा तो भाई हम लोग ने पिछले एपिसोड में कुछ स्टोन इसमें रखे दिए थे, और वो मेरा नसीब, तो भाई कैच वगैरह तो मेरे को नीचे वुड तोड़ते हुए मिल गया था। तो देखा, मतलब जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बिकॉज अगर मैं पहली वुड लेके आता तो अब मेरे को टैच नहीं मिलते, मैंने तोड़ा इसलिए मेरे को वुड के साथ टैच मिला और ये हुआ। मतलब भाई समझो तुम लोग यार, जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, मैं भूला वो बहुत अच्छी चीज़ की मैंने। तो चलो भाई, मैंने अपने दोनों रिफाइनिंग फोर्स जो है लगा लिए, अभी फटाफट मेटल कलेक्ट कर लेते हैं। अभी फिलहाल तो चार ही मेटल है, वो भी नीचे तोड़ रहा था तो मिल गया मेरे को उसमें। एंड बाकी यहाँ पे तो ये प्लेट वगैरह रख देता हूँ सब। तो चलो भाई, अभी जाते और फटाफट मेटल विटल कलेक्ट करते हो अपने एंकी के साथ, एंड फिर मिलता हूँ तुम लोग को अभी सीधा। सो गाइस, यार मैंने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेटल कलेक्ट कर लिया, तुम लोग देख सकते हो इतने 1200, मतलब टोटल बोलूँ ना तो 2500 तक मैंने यहाँ पे मेटल कलेक्ट कर लिया। लेकिन यहाँ पे इतना वुड नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वुड लेके आऊँगा मैं। एंड यहाँ पे ये बनने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, और ये देखो भाई फ्रीजिंग का भी एक अलग से ही सीन हो रहा है यहाँ पे, तो फ्रीजिंग भी ऊपर से हो रहा है मैं रात को यहाँ पे, यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी है। अब सीन देखो ये है कि इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे जितने भी ये 100 तो नहीं रहेंगे, इतने 100 तो नहीं बने होंगे, तो जितने उतने ले लेता और कुछ क्रिस्टल एंकी के साथ तोड़ लेता और वो लेके अभी बेस पे चला जाता हूँ, बिकॉज खाली हाथ तो नहीं जाना चाहता मैं।
सॉफ्टवेयर टू मैनी मेहनत हम लोग फाइनली बेस के ऊपर पहुंच चुके हैं विद हम लोग का जो मेटल है हम लोग के साथ है क्रिस्टल एंड थोड़ा सा फ्लिंट हम लोग को लेके फ्लिंट हाँ भाई फ्लिंट भी लेके आया बिकॉज मैं यहाँ पे ज़्यादा फ्लिंट कलेक्ट करता नहीं हूँ तो इस वजह से 273 उधर था तो मैं बोला चलो भाई उठा लेते हैं। एंड मेरे को पता नहीं था कि क्रिस्टल जो है भाई मतलब एंकी क्रिस्टल भी इतना अच्छा तोड़ता है। सिर्फ दो क्रिस्टल में से उसने पूरे कुछ 118 तक क्रिस्टल तोड़े। एंड यहाँ पे मैं कुछ मेटल लेके आया तो मैं सोचा यहाँ पे भी हमारे पास रिफाइनिंग फोर्स है तो यहाँ पे भी थोड़ा सा जला देते। एंड मेटल भाई मतलब सॉरी ये क्रिस्टल तो भाई काफ़ी कलेक्ट किया एंकी ने तो मेरे को पता चल चुका है अभी कि क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए एंकी एक अच्छा सोर्स है तो अभी एंकी का ही यूज़ करूँगा मैं। एंड ये देखो हमारा बियर बैरल अभी भी इसमें बियर बन रही है भाई तो वो हमारा क्या चाली थेरियम ऐसा कुछ चाली चोली थेरियम जो भी उसका नेम है उसको टेम करना है तो इस वजह से उसमें बियर बना रहा हूँ मैं। एंड इसको थोड़ा खाना दे दे बेचारा भाई पूरा भूखा हो गया था इसके पास खाने के लिए कुछ था भी नहीं तो चलो तुम लोग को दिखा। अबे हटो यार पूरा ब्लॉक करके रख देते यार ये दोनों इन लोग की जगह मेरे को जल्दी चेंज करनी पड़ेगी। तो ये देखो गाइस हम लोग का अर्जेंटेस और थोड़ा बड़ा हो चुका है भाई ये मेरे से भी ऊँचा हो गया अब तो मतलब काफ़ी बड़ा हो चुका है। एंड हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा टाइम मतलब भाई मेटल के लिए स्पेंड किया तो भाई इतने में काफ़ी बड़ा हो गया। अब मेरे को ऐसा लग रहा है नेक्स्ट एपिसोड तक बड़ा हो जाएगा बट पता नहीं देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड तक क्या सीन है इसका। तो चलो भाई अभी जाते और अपने ऑर्डर को लेते बिकॉज अभी हम लोग जो है जाने वाले सिलिका पर्ल्स कलेक्ट करने के लिए। एंड आई थिंक भगवान की कृपा से अगर उसने एक हाथ दो ब्लैक पर्ल दे दिए तो काफ़ी सही है वरना तो मेरा बस सिलिका पर्ल कलेक्ट करना है मेरे को। तो ये देखो यार गाइस हमारा प्यारा सा ऑशवर्ड यहाँ पे बैठा है 20 लेवल का हो चुका है ये एंड और एक लेवल आ चुका है तो इसका मिली डैमेज बढ़ा देता हूँ बिकॉज मेरे को एक बंदे ने बोला था कमेंट में कि इसका जो इसको कोई डैमेज नहीं देता। एंड ये आई थिंक सच बात है क्योंकि मैंने अब तक जितने बार ऑटर यूज़ किया है मतलब ऑशवर्ड यूज़ किया है मैंने कभी इसकी हेल डाउन होती ही नहीं देखी तो आई थिंक यही सच बात है कि ऑटर को कोई डैमेज नहीं देता है तो इस वजह से मैं इसकी हेल्थ पे वर्क नहीं कर रहा मैं इसके डैमेज पे वर्क कर रहा हूँ। एंड और एक चीज़ अब मेरे को पता चल चुका है भाई कि किस तरीके से ये जो पर्ल्स वगैरह कलेक्ट किए जाते हैं। पहले मैं जो क्या करता था खाना इसको ला के देता था इसलिए भाई ये आराम से बैठा हुआ था और कुछ दे नहीं रहा था बस ऐसे ही खा रहा था मस्त मजे में। लेकिन अब मैं इससे काम कराऊंगा मेरे को पता चल चुका है टारगेट बिरगेट करने का। कमेंट बहुत पुरानी थी एक्चुअली बट वो पता मेरे को अभी चली जब मैंने विसल का सब मेन्यू सही से देखा। तो चलो भाई यहाँ पे किया है पिराना ये पिराना का बहुत सही लगता है मछली ढूंढनी पड़ती पिराना खुद शिकार होने आ जाता है। तो ऑटर भाई 2 मिनट तू रुक मैं तेरे को विसल देता हूँ तब आना ठीक है। ओके अब आई थिंक हो जाए। ओ भाई ये तो सही है। ओ भाई ऑशवर्ड पोटेगन अटैक कर भाई ये वैसा सीन हो गया एकदम पोकेमोन जैसा लग रहा है भाई मेरे को। चलो सही है देखो पिराना वैसे भी उसको नहीं मार रहा है तो ये तो अच्छी चीज़ है। वैसे कितनी हेल्थ है इसकी मेरे को दिख भी नहीं रहा। अच्छा 14 सिर्फ मार दे वाह ब्रो बहुत अच्छा काम किया। आजा भाई अभी बाहर आ दे भाई कुछ दे सकता है प्लीज़ दे दे अभी मेरे को देखने दो। ओ भाई यार ये इमोट तो मेरे को पता नहीं था इसका। ओके लेकिन यार फिर भी मैं एक चीज़ से बहुत डिसअपॉइंट हूँ कि इसकी जो अमाउंट है ना इसकी देने की एक एक है भाई एक एक मछली को मतलब बहुत टाइम लग जाएगा यार। मैंने सोचा था अब भी कि एटलीस्ट 4-5 तो एक हिस्से दे दे बट इतना नहीं दे रहा ये। चलो भाई और मछलियाँ ढूंढते भीते अभी। अश्वर भाई दूर नहीं जाना पिछले बार जैसे सीन नहीं करना प्लीज़ यार। ऐसा मतलब ज़रूरी है क्या भाई कि जब भी मैं अश्वर के साथ बाहर निकलूँ सार को मतलब दिखना ही है भाई। इस बार नहीं भाई पिछले बार बहुत गलत सीन हो गया था भाई अचानक पीछे से आ गया तो बहुत गंदा डर लगता है। जब अचानक से ऐसे सार्को का कोई भी डायनो आता है ना भाई बहुत ज़्यादा डर लगता है अचानक से जब आता है इसलिए मेरे को सीन चाहिए नहीं इसलिए भाई अशोक कहीं और चलते हैं भाई प्लीज़ इस बार इसको मार ले यार। अबे यार इसकी भी थोड़ी और देर नहीं रख सकता क्या भाई तू सांस कंट्रोल करना कब सीखेगा तू। अबे ये कहाँ गया पागल। ओए अश्वर्ड भाई भाई ये क्या है ये ऊपर है क्या कहाँ है वो देखो भाई। अबे पागल इंसान भाई मैंने नीचे दिया है ना ये मार दिया क्या इसको। अबे तो जिंदा है वो भी पूरी हेल्थ के साथ भाई ये कर क्या रहा है यार गाइस ये क्या स्कैम है मतलब भाई। अबे अब तो ऊपर भी आ गया भाई मार दे यार उसको ये क्या कर रहा है भाई मेरे को नहीं समझ रहा है मेरे को सच में बोलू नहीं समझ रहा। हर बार भाई एक ही स्कैम हो रहा है ये लोग आ गए। अबे इतने देर कहाँ थे वापस अब बीच में आया तब आ रहे हो अश्वर भाई आ जाए चल जल्दी। अबे बुद्धू खंधे पे बैठ यार। अबे ये मेरे साथ क्यों खेल रहा है अरे आ जा
अबे भाड़ में जा भाई तू और ये तेरा ये, भागो तुम लोग यार, पानी में जम करा रहे भाई ये, गए ना और बच। अबे ऑशवर्ड आ जाए यार, क्या ओ भाई अब जाके पानी के नीचे आया ये, वाह साले ये लोग यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ भाई। अबे भाई 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 ये लोग उड़ा रहे भाई मेरे को पूरा, एक पिराना में इतना दम होता है मेरे को नहीं पता था। अबे जाओ यार भाई जाओ तुम लोग भाई, परेशान मत करो प्लीज। ऑशवर्ड बेटे बहुत नाटक हो गया भाई तेरा साले, रुक तेरे को बताता हूँ अभी मैं, इसके ना सारे टारगेट्स मार दिए मैंने भाई, अब तू खाने के लिए ढूंढते रही हो, मैं तो देने ही नहीं वाला तेरे को भाई, मतलब हद होती है यार, इतना भाई पिरानास ने मार मार के मेरी लाल कर दी, और इसको कोई मारता नहीं तो ये उसका फ़ायदा लेता, मेरी हेल्प भी नहीं की भाई इसने, मतलब एक को तो मार देता यार, एक को भी नहीं मारा, मतलब क्या बोलूँ अब मैं इसको। वाह भाई देखो क्या दिया है, एक दिया सिर्फ, क्या बोलूँ यार। अच्छा भाई ऑशवर्ड तू मेरे पीछे, मैं तेरे को बताता हूँ भाई कि कैसे कलेक्ट करते सिलिका पर, देख रहा हो तो देख भाई, ऐसे कुछ कलेक्ट किया जाता है ना कि तेरे तरीके से भाई, क्या मतलब मेरे को पता नहीं चल रहा है, ये मेरे को लेके आया कि मैं इसको लेके आया कलेक्ट करने के लिए, ये मेरे से काम करा रहा है सारे, और ये बस खंधे में बैठ के आराम से देख रहा है भाई। इसका सीन ना सच में बोलूँ तो मेरे को सही से नहीं समझ रहा अभी ऑर्डर का क्या सीन है, एक तो ये पानी के नीचे भी नहीं आता, तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना, कुछ तो मिला नहीं है तो भाई अंडा ही सही, वैसे भी एक कार्बोनियस क्या उखाड़ेगा मेरा, पेट्रो का नहीं उठाऊंगा भाई वरना ये ऊपर से अटैक करने लगते, ये कार्बो का है। हाँ आजा भाई चल तेरे को फटाफट ख़त्म करके, मेरे को नामकरण भी करना है अभी। ओ भाई ये तो चार है भाई, मेरे को चारों तरफ से घेर लिया और पीछे एक डोडो है, चलो भाई इन सबको पेल देते हैं, फिर दूसरा कोई वे भी नहीं क्योंकि इनसे अंडा लिया ना भाई तो मैं पूरा बेस के पास भी चला जाऊँगा ना तो ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, मेरे को पता नहीं था यार चार चार है वरना मैं इतना अंडा नहीं लेते बैठता भाई, एक अंडे के लिए इतनी बुलेट्स कौन वेस्ट करेगा, और ना ही इसका किबल कोई मांगता है, अब तक तो किसी ने नहीं मांगा इनके अंडों का किबल। अबे मरो यार क्या खा के पैदा हुए हो, अबे छोड़ पाइक भाई, मेरे पास प्रीमियम पाइप है, इस पाइक है उससे मारो बाक। तो चलो भाई ये सब तो खत्म हो गया, अभी थोड़ा नामकरण भी कर लेते और फिर एपिसोड भी क्लोज करना बाकी है अभी, सॉरी डोडो भाई गलती से हो गया, चलो कोई नहीं नामकरण कर लेते हैं अभी फटाफट। तो हमारे फीमेल ब्रोंटो के लिए जो नेम है वो सजेस्ट किया मैग्मा गेमर्स ने, और इन्होंने कहा है कि ब्रोंटो का जो नेम है वो होना चाहिए पीको, पीको पैको मतलब एक ही हो गया, तो मेरे को पीको नेम जो है बहुत ज़्यादा क्यूट लगा, तो इस वजह से आज हम लोग अपने ब्रोंटो का नेम रखेंगे पीको, बिकॉज हमारा ब्रोंटो फीमेल है एंड पीको थोड़ा सा शॉर्ट नेम है जो बड़े ब्रोंटो पे सूट करेगा, मतलब थोड़ा अजीब लगेगा बट पीको मेरे को बहुत क्यूट नेम लगा, उसके ब्रोंटो के ऊपर तो यही नेम होगा भाई। तो थैंक यू सो मच मैग्मा गेमर्स इतना अच्छा नेम हम लोग को सजेस्ट करने के लिए, आगे भी ऐसे ऐसे ये पोको हो जाता अभी, हाँ तो आगे भी ऐसे ही अच्छे अच्छे नेम जो है ज़रूर सजेस्ट करना मैग्मा गेमर्स ब्रो, एंड इसका नेम हमने पीको रख दिया भाई, तो ठीक है भाई ब्रोंटो का तो नामकरण हो चुका है, एंड फीमेल ब्रोंटो के लिए यार सच में बोलूँ तो पीको नेम बहुत अच्छा है, तुम लोग भी रख सकते हो चाहो तो पीको, मतलब वैसे मैंने कहीं नेम सुना हुआ है, मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा मेरे को लग रहा है कि पीको नेम कहीं सुना सुना था बट याद नहीं आ रहा, चलो जब याद आएगा बता दूंगा। लेकिन चलो भाई हमारे ब्रोंटो का तो हो गया, फीमेल था हमारा ब्रोंटो इस वजह से मैंने इसका नेम पीको रख दिया, मेल पे भी अच्छा लगेगा वैसे ये, तो पीको तो इसका हो गया। तो अभी हमारे फीमेल स्पाइनो का नेम भी रख देते हैं, और वो नेम जो हमें सजेस्ट किया गया निखिल भाई की तरफ से, और उन्होंने बोला कि इसका नेम सेनोरिटा होना चाहिए, वैसे यार ये फनी इमोजीज का को लगा दिया आगे, लेकिन चलो कोई नहीं, सेनोरिटा वैसे सुनने में थोड़ा फनी नेम लगता है आई नो, और थोड़ा अलग है और डिफरेंट है, लेकिन ये बहुत मज़ेदार नेम मेरे को लगा, तो इस वजह से इसका नेम जो हम लोग सेनोरिटा ही रखेंगे, बिकॉज स्पाइनो बहुत खतरनाक है उस हिसाब से सेनोरिटा इस पर अलग ही सूट करेगा। तो ये देखो नॉर्मल नेम्स तो हर कोई रखता है, तो इस वजह से मेरे को जो एकदम फनी नेम्स तुम लोग चाहो तो सेंड कर सकते हो, या एकदम ही डिफरेंट नेम ठीक है वो मेरे को ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो भाई अभी इसका नेम जो हम लोग रख देते हैं सेनोरिटा, उससे पहले इसका ये इमोट विमोट कर लें दोस्त होता, तो चलो भाई अभी इसका नेम रख देते हैं हम लोग सेनोरिटा। तो निखिल भाई थैंक यू सो मच इतना अच्छा और इतना फनी नेम हम लोग को सजेस्ट करने के लिए, बहुत ही अच्छा मेरे को नेम लगा है और बहुत मज़ेदार था, तो इसका नेम हमने सेनोरिटा रख दिया है, बिकॉज एक फीमेल स्पाइन हो तो इस वजह से इसका नेम तो अब सेनोरिटा फिक्स है, तो कहने में भी मस्त लगेगा वैसे। तो भाई देखो ओ भाई इधर नहीं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मेगलोडॉन और बहुत ये है भाई वो डीप है, तो भाई गलती से गिर भी गया ना लेने के देने पड़ जाएंगे, नहीं सेनोरिटा बेफालतू डूब के ना मर जाए। तो भाई मैग्मा गेमर्स एंड सेनोरिटा ही बोल रहा है, मैग्मा गेमर्स एंड निखिल भाई थैंक यू सो मच इतने अच्छे नेम सजेस्ट करने के लिए, एंड आई होप गाइज आज का जो एपिसोड है आप सभी को पसंद आया होगा। तो अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करो और एक लाइक जो ज़रूर कर देना इस एपिसोड को, इस वीडियो को,
तो आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से ऐसे और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चले गए, तब तक के लिए गुड बाय।